अयोध्या विवाद मामले पर आज से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच रोजाना दोपहर 2 बजे से सुनवाई करेगी। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्री और डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे। संसद का मानसून सत्र आज समाप्त हो रहा है और अब भी कई बिल पेंडिंग हैं। मोदी सरकार आज कई बिलों को पास करवा सकती है। कई बिलों में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल, कंपनी लॉ बिल समेत लगभग 1 दर्जन बिल राज्यसभा में पेंडिंग है। बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने काठमांडू पहुंची विदेश मंत्री सुषमा के प्रयासों ने डोकलाम मामले पर दिखाया असर। डोकलाम को चीनी हिस्सा मानने पर के पेचिंग के दावे का भूटान ने जोरदार किया खंडन। आज होगी सुषमा स्वराज और भूटान के विदेश मंत्री से मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज करेंगी विपक्ष की तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक। मोदी सरकार के खिलाफ संयुक्त रणनीति भी बन सकती है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, जेडीयू नेता अली अनवर सहित कई विपक्ष के दिग्गज शिरकत करेंगे। जेडीयू में घटते कद से परेशान शरद यादव ने एक बार फिर तल्ख तेवर दिखाए हैं, जहां नीतीश कुमार ने गठबंधन को धोखा दिया है, यह आरोप भी उन्होंने लगा दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र पर कब्जे की बात भी कही। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर हामिद अंसारी को मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना दिखती है, तो इस विषय को लेकर उन्होंने पहले ही अपने पद से इस्तीफा आखिर क्यों नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान सांसदों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि अब राज्यसभा में अध्यक्ष आ चुके हैं और आप मौज मस्ती के दिन बंद हो जाएंगे। मोदी ने आगे भी कहा कि लोग अपने आप को क्या समझते हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो है वो बीजेपी है। बिहार में महागठबंधन टूटने और फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के नीतीश कुमार के फैसले से खफा शरद यादव बिहार के दौरे पर हैं। वे 3 दिनों तक 7 जिलों में घूम घूम कर लोगों से संवाद करेंगे। कांग्रेस के अस्तित्व पर संकट को लेकर कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की बातों का मणिशंकर अय्यर ने भी समर्थन किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने पहले खुद भी एक ही राय व्यक्त की थी। बिहार की राजधानी पटना के पास स्थित दानापुर के पार्षद केदार राय की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। केदार राय को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का करीबी बताया जाता है। केदार राय पिछले 20 सालों से दानापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 के काउंसलर थे। जानकारी के मुताबिक यह घटना कल सुबह 5:30 बजे घटी थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी ने जस्टिस शाह को लिखा पत्र। पनामा पेपर लीक मामले में यह पत्र लिखा गया है, जहां पत्र के माध्यम से सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यालय पर हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे बीएचटीईटी 2011 पास अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अभ्यर्थी 7 दिसंबर 2012 के लंबे शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर रुकी प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने की मांग कर रहे थे। साथ ही नई विज्ञप्ति निकालने की मांग भी की जा रही थी। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें कई महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी। हैदराबाद में राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हा ने गांधी हॉस्पिटल में 65 बेड के आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सी लक्ष्मण रेड्डी भी उनके साथ मौजूद थे। पंजाब सरकार वीआईपी कल्चर को खत्म करने में लगी है और सभी वीआईपी की गाड़ियों से लाल बत्ती उतार दी गई है। हालांकि बठिंडा पुलिस अब वीआईपी बनती जा रही है। दरअसल बठिंडा पुलिस के आईजी एमएस छीना सुबह जब साइकिलिंग करते हैं तो पुलिस के नाके लग जाते हैं। आईजी साहब के साथ डीएसपी और कुछ अन्य आला ऑफिसर भी रोजाना यहां खड़े रहते हैं। यहां आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद हो जाता है, जिन रास्तों से ये साहब गुजरते हैं। दर पुलिस सिक्योरिटी की वजह से कर्फ्यू जैसे हालात भी होते हैं।
बक्सर के डीएम मुकेश पांडे ने गाजियाबाद में खुदकुशी की है। आज उनका पोस्टमार्टम होगा, जहां 2012 बैच के आईएएस मुकेश पांडे हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने देर रात खतौली की अलकनंदा गंगा नहर किनारे जंगलों के इलाके में मेरठ से बाइक पर आ रहे दो बदमाशों को रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में एक बदमाश भाग निकलने में कामयाब रहा, तो वहीं एक बदमाश को गिरफ्तार किया जा सका। वडोदरा में गणेश मूर्ति को जाते वक्त पथराव हुआ है, जहां पर पथराव करने वाले लोगों ने पार्किंग में खड़े वाहनों में आगजनी की और फिर तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंककर स्थिति को शांत किया। दिल्ली के रसपुरा में मोमोज खाने से 25 लोग बीमार हो गए, जहां बसंत कुंज के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। दो बच्चे आईसीयू में भी भर्ती हैं। जयपुर के हीरापुर के रहने वाले दिव्यांग चंदन वर्मा ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। नेशनल स्टेट प्रतियोगिताओं में कई मेडल जीते, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की वे तैयारी कर रहे हैं। पीलीभीत में लगातार बाघ का आतंक जारी है, एक और किसान को बाघ ने अपना शिकार बनाया। इससे पहले 19 लोगों पर यह बाघ हमला कर चुका है। किसानों की लगातार हो रही मौतों से किसानों में आक्रोश दिखाई दिया, जहां ग्रामीणों ने कुंवर सेन की लाश को रोका और फिर प्रशासन से बाघ का शिकार हुए लोगों को न्याय दिलाने की मांग की। अम्बेडकर नगर में पेट के कीड़े मारने की दवा खाने से 9 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जहां दवाई पीने के बाद बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो गया। इसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर के कृषि प्रोफेसर ने कृषि गीता बनाई है। इस कृषि गीता में दोहों और चौपाइयों के जरिए किसानों को खेती के तरीके बताए गए हैं। कृषि गीता में बताया गया है कि किसानों को कब और कौन सी फसल बोनी है और काटनी है, जिससे होने वाले जलवायु परिवर्तन की मार से फसलों को बचाया जा सकेगा। वाराणसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई है। अभियान के तहत पांडेपुर इलाके में अतिक्रमण हटाया गया है। यह अभियान 19 अगस्त तक चलेगा। मुंबई के पुणे में व्यापारी हसन अली के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। एजेंसी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए ये कार्रवाई की गई। हरदोई में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों ने मोबाइल की दुकान से मोबाइल चुराया और फिर उसके बाद ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
श्रद्धालुओं के लिए उत्तर से हाई अलर्ट पर बांके बिहारी मंदिर रखा गया है, जहां श्रद्धालुओं ने पत्र लिखकर हमले की साजिश रचने की बात कही थी। वाराणसी में बदमाशों का आतंक जारी है। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने अकाउंटेंट से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद पैसे निकालकर स्टाफ अकाउंट में जमा करने जा रहा था अकाउंटेंट, उससे पूरी लूट की वारदात की गई। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जहां पर सड़कों पर निकलना मुश्किल है, घरों में पानी घुसा हुआ है। मेरठ में आवास विकास की आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माण कराने को लेकर नोटिस जारी किया गया है, जहां अवैध भूखंडों को जल्द ही चिन्हित किया जाएगा, साथ ही जल्द ही कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। बहराइच में बम मिलने से सनसनी फैल गई, जहां आनंद-फानंद में मौके पर बम स्क्वाड पहुंचा। बम को डिफ्यूज करने के लिए काफी समय लगा, लेकिन सीएम के बहराइच दौरे से ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना ने प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मेरठ में समय कमिश्नर और कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के बीच तनातनी का माहौल है। कलेक्ट्रेट कर्मचारी धरने पर बैठ कर धरना दे रहे हैं और कमिश्नर को हटाने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों ने काम पूरी तरह से बंद कर दिया है, कार्यालय में तालाबंदी कर दी जा चुकी है, जिधर कर्मचारियों के दबाव में अधिकारी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक संस्था और अधिवक्ताओं कमिश्नर प्रभात कुमार के पक्ष में यह ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देकर पक्ष में होने की बात कही गई है। वकीलों और सामाजिक संस्था के लोगों का कहना है कि कमिश्नर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ की वर्णिका कुंडू के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विकास बराला ने पूछताछ में लड़की का पीछा करने की बात को कबूल कर लिया है, हालांकि उसने अपहरण की कोशिश से इनकार कर दिया। पुलिस सूत्रों ने यह पूरी जानकारी दी है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को चंडीगढ़ पुलिस ने विकास बराला और उनके साथी को वर्णिका के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन उसी दिन उसे बेल मिल गई थी। पुलिस ने तब उसके खिलाफ आईपीसी और मोटर व्हीकल्स कानून की जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। आगरा जयपुर हाईवे पर रोडवेज बस और प्राइवेट बस की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक महिला और बच्ची सहित 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला अस्पताल के डॉक्टरों का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। यहां एक गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही थी, तब अस्पताल वालों ने उसे वहां भर्ती करने के बजाय उसे वहां से भगा दिया। महिला ने अस्पताल के बाहर एक बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल की संवेदना उसके बाद भी नहीं जागी। महिला और उसका बच्चा अस्पताल के बाहर 20 मिनट तक तड़पते रहे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया और ना ही कोई अस्पताल का कर्मचारी हाल जानने के लिए पहुंचा। फिलहाल जिला महिला अस्पताल के बाहर इस घटना के जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। फतेहपुर के जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अपने पति के साथ इलाज कराने आई महिला ने जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर रवि आनंद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर रफा दफा कर दिया। हालांकि पुलिस के जाने के बाद मामला एक बार फिर से गर्मा दिया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला अस्पताल के डॉक्टरों का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। बांदा के बलखंडी नाका इलाके में देर रात एक युवक को रिक्शा चालक और कार सवार महिलाओं के बीच हो रहे विवाद में बोलना महंगा पड़ गया। महिलाओं ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बाद महिलाओं ने फोन करके कई लड़कों को भी बुला लिया और फिर सबने मिलकर पुलिस चौकी के अंदर भी युवक की जमकर पिटाई कर दी। इधर पुलिस महिलाओं की इस दबंगई के आगे मुखदर्शक ही बनी रही।
बागपत में एक बार फिर पूर्ति विभाग पर लाखों क्विंटल खाद्यान्न गायब करने का आरोप लगा है। पीड़ित का आरोप है कि आपूर्ति विभाग ने 80 क्विंटल खाद्यान्न गायब कर और प्राइवेट राशन को सरकारी राशन में बदल दिया। इधर किसानों द्वारा अनाज का ब्यौरा देने के बाद भी राशन को जब्त करते हुए आपूर्ति विभाग ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इलाहाबाद सेंट जोन्स स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को गोली मारने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गोली मारने की सुपारी देने वाला और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के कॉलेज का पूर्व कर्मचारी है, जिसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शूटरों को सुपारी दी थी। इस घटना में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि घटना में मुख्य आरोपी शूटर भागने में कामयाब रहा। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित खरे ने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, जिससे जरिए न केवल लोग विकास प्राधिकरण में अपनी पेंडिंग फाइलों के स्टेटस को जान सकेंगे, बल्कि अधिकारियों की भी मनमानी से रोकी जा सकेगी। इस सॉफ्टवेयर से सभी दस्तावेज फीड होने के बाद ये पता चल सकेगा कि वाराणसी में कितने केस पेंडिंग है। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगातार बारिश से जीना मुहाल हो चुका है। पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे सड़कों पर निकलना मुश्किल है। इधर बरसात से पहले निगम कहीं नाले खुलवाने की जरूरत नहीं समझ रहा है। जल भराव के दौरान मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि वे पहले से ही सक्रिय थे, अचानक तेज बारिश होने के कारण ये परेशानी बढ़ी है। बॉलीवुड एक्टर सीताराम पंचाल पिछले काफी समय से किडनी और फेफड़ों में कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। गुरुवार को सुबह 8:15 बजे नींद में ही उनका निधन हो गया। वे 54 साल के थे। सीताराम ने पीपली लाइव, पान सिंह तोमर, हल्ला बोल, लज्जा, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, स्लमडॉग मिलियनेयर और जॉली एलएलबी जैसी तमाम और बेहतरीन फिल्मों में काम किया था। संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि के ट्रेलर लॉन्च पर रणबीर कपूर पहुंचे, जहां संजय दत्त की बायोपिक में उनका किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर ने कहा कि मैं संजय सर से बेहद प्यार करता हूं और उन्हें बचपन से जानता हूं। आई एम कलाम और जलपरी जैसी फिल्में बनाने वाले नील माधव पांडा की जल संकट पर आधारित फिल्म कड़वी हवा का फर्स्ट लुक लॉन्च हो गया है। फिल्म की कहानी सूखाग्रस्त बुंदेलखंड की है और यह सच्ची कहानी पर आधारित है। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर उतनी ज़्यादा धमाकेदार नहीं रही थी जितनी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म के सिनेमा घरों में फ्लॉप साबित होने के बाद फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटरों का खासा नुकसान भी हुआ है। ऐसे में सलमान खान ने अपना कमिटमेंट पूरा करते हुए अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को हुए नुकसान की भरपाई दी है।